गोविंद राम हरे ओ हरे राम कृष्णा गोविंद राम हरे ओ हरे राम कृष्णा गोविंद राम हरे ओ हरे राम कृष्णा भगवती गीता है और धर्म का मूल दया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए तब लग घट में प्राण। और सारे तीर्थों का मूल गंगा है, जो गंगा जी में स्नान कर लेता है वो संसार के सारे तीर्थों में स्नान कर लेता है। एक बार फिर से सुनिए, तीर्थों का मूल है गंगा, शास्त्रों का मूल है गीता, धर्मों का मूल है दया और देवताओं का मूल भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भूतों की पूजा करेगा मरने के बाद में भूत बनेगा, पितरों की पूजा करेगा मरने के बाद में पितर लोग में जाएगा, देवताओं की पूजा करेगा मरने के बाद देवता बनेगा और मेरी भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त होगा। हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, जब इसका विचार करें। भूत और पितरों की पूजा होती है तो हमारा जीव यही रहने वाला है और देवता की पूजा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमको स्वर्ग मिलेगा। भगवान की भक्ति करने वाला 84 की चतुर्सी छूट जाता है, बैकुंठ में चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं स्वंतक मणि को लेकर के भगवान उग्रसेन जी की राजसभा में पहुंचे और उन्होंने छत्राजीत को बुलाया और भगवान ने ऐसा भाषण किया कि छत्राजीत के छत्र छूट गए। भगवान बोले अरे पापी, तूने मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगाया, मैंने उस कलंक को धो दिया, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो बेचारे का जीवन ही खराब हो जाता। तुमने सुनी हुई बात के ऊपर विश्वास किया, अरे कभी कभी आंखें देखी बात भी झूठी हो सकती है। महात्मा सुकरात कहा करते थे कि भगवान ने हर इंसान को दो आंखें दी है, दो कान दिया है, लेकिन मुख भगवान ने एक दिया है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया, दो कान इसलिए दिया है कि पहले तुम ज्यादा से ज्यादा सुनो, दो आंखें इसलिए दिए कि ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा देखो और कम से कम बोलो। मुंडो ये गिरवास ने दियो कि कम से कम बोलो, वो भी तोल मोल करके बोल, क्योंकि लुगरे बोलने की इतनी आदत हो गया कि पूछो ही मत। भाई जी आया जाल पर बाता लाया, तीन चार बुझाया हो गया अहंकारों दे दो थक जाए बेचारे, और भाई जी लेकिन बाता नहीं मिटे। पीर में आकर के ससुराल की निंदा करना ये स्त्री का सबसे बड़ा दोष है। पतिव्रता नारी वो होती है अपने पीवर में अपने ससुराल की आलोचना कभी से नहीं सकती है। पति की निंदा, ससुर की निंदा, सासु की निंदा, अपनी ससुराल की निंदा धर्म पत्नी कभी सहन नहीं कर सकती है।
पर किल हुए यार तू है पीर में जगवास नहीं आवे बोर भर लावे जिंदगी पीर में पूरी नहीं हुए जिंदगी ससुराल में ही पूरी हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान में सत्रह दिन से का मैंने कलंक धो दिया, चलो इस मनी को ले जाओ।